कालीसिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का, और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूं, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस विधान लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ ये पानी मिलना चाहिए, कि हमारे लिए भारत की कल्पना करना, तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गांव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है वो सारी चीजें उसको गांव में सरलता से मिलती। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत राज्य की पंचायतों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और पहलों को समाहित करेगा। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि यह कार्यक्रम हमारी सरकार को प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम गांव के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आत्मनिर्भर पंचायतें ही समृद्ध मध्य प्रदेश की नींव है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएगी। ग्रामीण सड़कों, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया जाएगा। स्थानीय पंचायतों को इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायत प्रमुखों और सदस्यों को कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने कहा इस कार्यक्रम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। किसान और ग्रामीण उद्यमी विशेष रूप से इस कार्यक्रम के तहत मिलने वाली सहायता और प्रशिक्षण को लेकर उत्साहित है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम राज्य के ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन की इस पहल से ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। बड़ी बात है, केन बेतवा नदी जुड़ने से पूरा बेल्ट पानी के आधार पर, क्या हमारा सागर, क्या हमारा छतरपुर, पूरा बेल्ट जिसके कारण से अलग प्रकार की दुनिया में जाएगी। ऐसे ही हमारा दूसरा श्योपुर में गया था, वहाँ गिर का अभयारण्य पहली बार देखा कि गिर गाया ऐसी बिल्कुल यूं घूम रही, और जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, फिर आगे आ जाओ राजगढ़, राजगढ़ से आगर, आगर शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, पूरे बेल्ट में कालीसिंध, पार्वती, चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का, और इसी बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, कल संसद के अंदर ये दोनों नदी जोड़ों को लेकर के गर्व के साथ माननीय मोदी जी की सरकार ने उस विधान लोकसभा में उल्लेख किया कि हाँ ये पानी मिलना चाहिए। ये आत्मनिर्भर पंचायत मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, इसका अपने आप में ये जो हेडिंग है इसमें सारी बातें आ जाती है। जैसे हम आत्मनिर्भर पंचायत बोलते हैं लघु भाषा में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए भारत की कल्पना करना, तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गाँव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है वो सारी चीज़ें उसको गांव में सरलता से मिलती। बदलते दौर में, शहरीकरण में गांव के पे इफेक्ट शहर का आ रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी हमारे गांव ही वो स्थान है जिनके कारण से ये 1000 साल की गुलामी का लंबा काल निकल गया। कई आए कई गए, यूनान, मिस्र, रोम मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो भी आए गए जैसा भी हुआ, लेकिन इनके आने जाने से हमारे गांव की हकीकत नहीं बदली, गांव का अपना परिवेश नहीं बदला, गांव का जो अपना स्वावलंबन, गांव के अंदर की सारी व्यवस्था, गांव की परेशानी को गांव के अंदर समाधानकारी तरीके से खोजना, हमारे गाँव के अंदर के लिए जैसे यूरोप के लोग आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, कई बार समझ नहीं पाते कि एक थाना है और थाने के अंदर 100-100 गांव हैं, थाने में पुलिस वाले 25, और कंट्रोल कैसे करते? अब ये उनको विसंगति लगती कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो समझने वाले समझते हैं, हमारे भारती से पूछो तो तुरंत बता देता है
कि भाई 25 पुलिस वाले इसलिए पर्याप्त कि गांव वालों के लिए पुलिस नहीं चाहिए, गुंडों के लिए पुलिस चाहिए, गुंडे तो पर्याप्त, गुंडों के लिए पुलिस निपट लेती है, गांव वालों को पुलिस की जरूरत थोड़ी है, गांव तो अपना अनुशासन अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करते। संभ्रांत परिवार में तो पुलिस का आना ही अपने आप में बहुत गलत बात मानते, किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए भले किसी को बुलाने आए तो उसको बड़ी इंसल्ट लगती कि पुलिस कैसे आ गई मेरे घर, क्योंकि वो स्व अनुशासित अपनी जिंदगी जीते हैं, उसका आनंद अलग प्रकार से। और ये आज के इस दौर में उसका महत्व और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आनंद आ रहा है कि हमारे पंचायत मंत्री जोरदार ताली प्रहलाद पटेल जी के लिए भी उसी गाँव की अवधारणा को बढ़ा रहे हैं। ये 3 दिन के कॉन्क्लेव करने के पीछे जो भाव है इसी भाव को लेकर तो है ही कि हम अगर अपनी सरकार में आए तो सरकार में आकर के हमारे हाथों से, हमारे ताकत से, व्यवस्थाओं से हम अगर गांव को स्वावलंबी बनाते हैं। और इसीलिए एक के बाद एक आप देखिए कुछ क्रम से हमने काम भी चालू किए, सरकार के साथ जोड़ने के काम भी चालू किए। अब ये उदाहरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजवाइए कि बुंदेलखंड, जोरदार ताली बजाइए बुंदेल केन बेतवा नदी। अब गांव अच्छा करना तो गांव में जो होने वाली कृषि है, खेती है, उसको पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों तो चाहिए। जब आप हर घर नल दे दोगे, हर घर जल दे दोगे तो घर में जल हो गया, खेत में जल हो गया, 90% तो काम निपट ही गया, बचा क्या है। आज ये पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की जल परियोजनाओं से तो बदला है। अब बचा हुआ हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का 2 हिस्सों में, एक हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है जिसमें वो बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड ने कभी भी कई लोग आए, मुगल आए, सुल्तान आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी के आगे अपनी कमर नहीं झुकी, किसी के पैर नहीं पकड़े, सबसे डट के मुकाबला किया। लेकिन वो वीरता का, धीरता का, गंभीरता का बुंदेलखंड केवल प्रकृति के भरोसे था। अब जल से उसकी स्थिति बदलेगी, यह सौभाग्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 1,00,000 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी देने वाले, 1,00,000 करोड़ रुपया, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, 45,000 करोड़ हमारे लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समृद्ध पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश इस सूत्र वाक्य को लेकर के 3 दिवसीय कार्यशाला मध्य प्रदेश स्तर की यशस्वी ग्रामीण पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में ये हो रही है, जिसके कारण से हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच स्तर के सभी गणमान्य महानुभावों को बुला करके उनके विभाग के माध्यम से पंचायत के अंदर विकास के होने वाले अलग अलग आयामों के लिए अलग अलग सत्र आयोजित करते हुए सरकार के साथ, सरकार की मूल भावना है कि प्रत्येक पंचायत यशस्वी प्रधानमंत्री की सपनों के अनुसार समृद्ध बने और न केवल समृद्ध बने बल्कि आदर्श रूप भी ग्रहण करें। मेरी अपनी ओर से मैंने इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना भी दी है और हमने जो अलग अलग प्रकार से गाँव की हालत बदलने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी, खास करके कृषि को बढ़ावा देने के लिए जल योजनाओं के, सिंचाई योजनाओं का बढ़ावा देना चाहिए, पशुपालन को बढ़ावा देना है, गाँव के अंदर के विकास का एक अच्छा प्लान बने, उस प्लान के आधार पर काम करें, जो जनता के बीच इस प्रकार के अनावश्यक खर्चे के जो कार्यक्रम बनते हैं जिनको हतोत्साहित करते हुए विकास परक कामों में उनकी ध्यान जाए। मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।